ये कहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड। अब हमारे पास प्यारे बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एम्पलीफायर। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। देखो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है तो वो क्या कर रहा है, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एज एम्पलीफायर। जब भी ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर यूज होता है प्यारे बच्चों, तो हमेशा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो चलो ये जो है एनपीएन कॉमन इमीटर बना लेते हैं। बनाना बहुत आसान है, एक गोला बनाए, एक डंडा बनाए, एक नीचे बनाए, एक एरो दिए, तो ये आ जाएगा इमीटर करेंट। एक डंडा यहाँ से निकाले और इधर ले गए और इधर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किए और ये आ जाएगा इधर से कलेक्टर आईसी आएगी, तभी तो इधर जाएगी, इधर से आईबी आएगी तभी तो इधर आईसी जाएगी, इन दोनों का सम होगा। और ये एन है और ये पी है और ये एन है, तो ये एन है निगेटिव है तो ये पॉजिटिव प्लस माइनस ये आउटपुट वाला सर्किट हो गया। और ये पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा बेस और इमीटर, तो ये प्लस और ये माइनस ये वाला चीज़, तो ये बेसिक। और यहाँ से एक यहाँ से बेस रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते थे, यहाँ एक आर भी लगा देते हैं और यहाँ एक आर सी। तो ये बेसिक एम्पलीफायर का सर्किट है, एक्टिव रीजन में काम करता है प्यारे बच्चों। अब देखो ये कहता है हाँ लोड रेजिस्टेंस कहता है इमीटर बेस करेंगे, ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट। कलेक्टर सर्किट में लोड रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला कितना है प्यारे बच्चों 800 ओम दिया हुआ है। अब कहता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट 0.8, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आया वो आया 0.8 वोल्ट। समझने की कोशिश करना, इसके अक्रॉस लोड वाला। इफ द करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज पॉइंट, करेंट एम्पलीफिकेशन बीटा, इनपुट करेंट कितना टाइम्स एम्पलीफाई हुआ दैट इज आई सी अपन आई बी, तो ये जो है वो 0.96 के इक्वल आ जाएगा, बराबर है। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 192। अब इनपुट रेजिस्टेंस, ये वाली जो रेजिस्टेंस है 192 ओम दिया हुआ ऐसा बता रहा है 192। द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर की दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पहला वोल्टेज गेन और दूसरा पावर गेन। अब वोल्टेज गेन क्या होता है यार, वोल्टेज गेन होता जो हमने इनपुट वोल्टेज लगाया आउटपुट में कितना टाइम्स बढ़ गया मेरे भाई, वोल्टेज गेन एम्पलीफाई हो गया। तो अगर वोल्टेज गेन एम्पलीफाई हो गया तो वो वाला चीज़ अगर मैं लगाऊँ वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन को मैं वीजी से डिनोट करता हूँ, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू करेंट गेन मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन। तो करेंट गेन यहाँ बीटा है और रेजिस्टेंस गेन आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो करेंट गेन कितना है 0.96 और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों 800 और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 192। ठीक है, तो इसको काट कूट लो, देखो ये पॉइंट है 20 ने 20 को यहाँ से ख़त्म कर दिया, 92 टू टाइम्स कट गया दैट इज 4, मतलब 4 टाइम्स जो है वो वोल्टेज गेन आ जाएगा, वोल्टेज 4 गुना बढ़ेगा। मतलब ये है ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही या तो ये सही है, निकालना पड़ेगा भाई पावर गेन निकालना पड़ेगा। चलो पावर गेन क्या होता है, तो पावर गेन होता है पावर इज इक्वल टू होता है आई वी, पावर गेन होता है करेंट गेन और मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज गेन। करेंट गेन यहाँ बीटा है करेंट एम्पलीफिकेशन, और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कितना है पहले ही निकाल चुके हैं 4, तो यह 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.96, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.96 मतलब 3.69 इतना आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही है ना, मज़ा आ गया। चलो वीडियो